टू माई वीडियो। और जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा कि हम लोग आज एक फ़ोन स्टैंड बनाने वाले हैं, जो बहुत ही आसानी से बन जाता है और आप इसे अपने साथ पॉकेट में कैरी भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत आसान से बन जाता है और इससे फ़ोन आपका कहीं भी आप रख के और कहीं भी इससे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोगों को चाहिए होगी एक स्क्वायर पेपर। स्क्वायर पेपर जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास है। अब हम इसको जो है पहले हाफ में फोल्ड करेंगे, बिल्कुल ही परफेक्टली आपको इसे हाफ में फोल्ड करना है ताकि आपका जो स्टैंड बने वो बिल्कुल ही परफेक्ट हो। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसको बहुत आराम से मिला रहा हूँ जिससे कि ये गड़बड़ ना हो। आप इसके ऊपर बहुत अच्छे से लाइन बना दीजिए अच्छे से। ये देखिए बन चुका है। देखिए आपकी ये दोनों लाइन बिल्कुल परफेक्टली होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ में आपको इसे फोल्ड करना है। तो एक बार ये फोल्ड हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब हम इसको रीओपन कर लेंगे, बीच में जो लाइन मिल गई है अब हम लोग इसी का यूज़ करना है और ये जो दूसरी साइड है इसको इस लाइन पर फोल्ड करना है। एग्जैक्टली आप इसे लाइन तक फोल्ड करिएगा। ये देखिए इस तरह एग्जैक्टली फोल्ड करिएगा, जरा सी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको दूसरी साइड से भी ऐसे ही करेंगे। आपका ये डोर टाइप का दिया है इसको। अब हम इसका फ़ायदा उठाएंगे और इसको टर्न करेंगे बैक साइड डोर नहीं है क्योंकि डोर इस साइड है। अब हम इसे हाफ में फोल्ड करेंगे यहाँ से। ये डोर जो है आउटर साइड है, अब हम इसे जो है एग्जैक्टली हाफ में फोल्ड कर रहे हैं ऐसे कुछ इस तरह। ये लाइनें आपको बहुत अच्छे से मैच होनी चाहिए और फिर आप इसे अच्छे से फोल्ड, एक अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। अब आपके दोनों साइड डोर हो जाएंगे, ये एक साइड डोर, ये एक साइड। स्टार्टिंग में हमारा एक साइड डोर था, एक साइड नहीं था। अब दोनों साइड ये डोर लाइक स्ट्रक्चर हो गया है। अब ये जो आपकी जो बीच में ये फोल्ड बना है इसे आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिए, तो बहुत अच्छे से इसे कर लीजिएगा। इसको जो है मैं काफ़ी पिंच करके अच्छे से कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप। अब ये हम इसको रखेंगे, अभी भी ये कॉर्ड स्क्वायर में बदल गया फिर से। अब हम इसे हाफ में फोल्ड, इसे डायगोनली फोल्ड करेंगे। डायगोनली हमने इसे फोल्ड किया, देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली आप इसे फोल्ड करेंगे वरना फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। एग्जैक्टली फोल्ड करिएगा, ये दो पॉइंट्स आपस में एकदम एग्जैक्टली मैच हो जाने चाहिए, नहीं तो फिर आपको बहुत अच्छे से नहीं बन पाएंगे। जैसे देख सकते मैंने इसे बहुत अच्छे से मैच कर लिया है। अब मैं इसे यहाँ पे रीओपन कर दूंगा। जो बीच की आप लाइन देख रहे हैं इसे हमको बहुत सॉलिड लाइन बनाना है क्योंकि ये बाद में बहुत काम आएगी। एकदम से पिंच करके एकदम अच्छे से लाइन बना रहे हैं, देख सकते हैं शार्प लाइन बन चुकी है बीच में। अब मैं इसको सेकेंड साइड भी कर लूँगा ताकि बीच में हम लोग को एक क्रॉस मिल जाए कुछ इस तरह। क्रॉस आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको बीच में क्रॉस नजर आएगा, एक बीच में क्रॉस आ गया है। अब आप देख सकते हैं जो पिछले साइड मेरा क्रॉस बन चुका था। अब हम इसे उल्टी साइड फोल्ड करेंगे, फोल्ड मतलब इसको उल्टी साइड पलट लेंगे और फिर इसको जो है जैसे हम लोगों ने पीछे किया था वैसे यहाँ भी कुछ करेंगे। एग्जैक्टली करिए, मैंने इसे फोल्ड किया, इधर भी फोल्ड किया, लाइन परफेक्ट की। अब मैंने इसे भी ओपन किया, फिर से एक लाइन आ गई बीच में। अब इसको सेकेंड साइड से भी ऐसे ही कर लेंगे। हो गए हैं, अब हम इसे ओपन करेंगे। तो ये देख रहे हैं आप, ये बन चुका है और कुछ इस तरह है, देख सकते हैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिल चुका है हम लोगों को। अब थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, आपको ये जो दो एंड्स हैं, दो कॉर्नर्स हैं हमारे, इसको प्रेस करेंगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा। हम लोग को इसको ऐसे नहीं करना, इसको हम लोग पलटेंगे और देखिए अंदर की साइड ये आ चुका है। अब हम इसे प्रेस करेंगे तो अंदर की साइड
साइड ये भी चली जाएगी और उस साइड ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा करना है। अब ये जो बीच का ये दिख रहा है आपको, हमको इसको प्रेस करना है। ये ऐसे था, हमने इसे प्रेस किया कुछ इस तरह, प्रेस किया और फिर हम लोगों ने ये जो हमारा स्ट्रक्चर था हमने इसको अंदर प्रेस किया। इसी के साथ साथ हमको इसको कुछ इस तरह ये दबाते, आप देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो पॉइंट है, ये अंदर की साइड बढ़ेगा कुछ इस तरह। अब जब आप इसे कुछ ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये ऊपर ट्रायंगल बन जाएगा और नीचे आपको ये कुछ इस तरह का रेक्टेंगल बन जाएगा। आप अपने फोल्ड्स को यहाँ सही कर लीजिए, ये ट्रायंगल को आप अच्छे से कर लीजिए। अब ये जो टिप है इसको हमको, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये वाला, इस पॉइंट पे मोड़ना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, पेपर के यहाँ पे दो लेयर्स हैं इसलिए फोल्ड करने में दिक्कत होगी, लेकिन इसे आराम से फोल्ड करिएगा। पेपर अगर थोड़ा बहुत खराब भी लगने लगे लेकिन तब भी इसे फोल्ड करिएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं एग्जैक्टली फोल्ड करिएगा, कहीं भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं इसे बार बार देख के अच्छाई से फोल्ड कर रहा हूँ, फिर इसको प्रेस करके एक अच्छी सी क्रीज बना दीजिएगा। यहाँ पर इसकी इसको प्रेस करेंगे तब ये अच्छी सी क्रीज बन जाएगी यहाँ पे। इसको थोड़ा सा नेल्स की मदद से थोड़ा सा इसे दबा लीजिएगा, फिर इसे रीओपन कर दीजिएगा। आपको यहाँ बीच में एक लाइन दिख रही होगी, ये जो लाइन बनी है आपको इसे वापस से खोलने में, जैसा हम लोग पहले जब खोलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक स्क्वायर बन चुका है, स्क्वायर बन चुका है, एक स्क्वायर के अंदर एक और छोटा सा स्क्वायर बन चुका है, देख सकते हैं। अब इसे उल्टी साइड फोल्ड करेंगे और हम लोग की जो क्रीज पहले बनी थी ये थोड़ी सी बहुत अच्छी नहीं बनी है, क्योंकि दो लेयर थी पेपर की। हम लोगों को इनको शार्प करना है कुछ इस तरह से करके शार्प करना है। मेक श्योर कि वो यहाँ से यहाँ तक ही हो, तब आपको शार्प करना है, टर्न करिए, फिर इसे शार्प करना है, अच्छे से शार्प कर लीजिए इनको, क्योंकि आपके बाद में बहुत काम आएंगी। ये सारी साइड में ऐसे शार्प कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने इसकी चारों साइड्स को अच्छी तरह से शार्प कर लिया है। अब हम इसे वापस से बैक साइड फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो स्क्वायर है ये अंदर की साइड जा रहा है और ये हमारी साइड ऊपर की साइड आ रही है। अब हमको इसी का एडवांटेज लेना है। अब हम इसे कुछ जैसे हमने पहले की तरह फोल्ड किया था वैसे ही हम करेंगे। आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये जो स्क्वायर था ये अब एक ट्राइंगल में बदलने लगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग सा स्टेप करना है। ये जो साइड है इसको हमको खोलना है कुछ इस तरह, और तब हम इसे फोल्ड करेंगे। और ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला और ये वाला पॉइंट, हमको इन दोनों को अलाइन करना है कुछ इस तरह। तो ये अलाइन हो जाएगा तो ये जो ऊपर का फ्लैप जो मैंने पहले खोल दिया था इसको हमको अंदर की साइड पुश करना है और फिक्स करना है जिससे ये लॉक हो जाए कुछ इस तरह। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह लॉक हो गया है। आपको इसमें कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए, तो जैसे कि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था तो मैंने इसे सही कर दिया है। आप देख सकते हैं परफेक्टली लग रहा है। ये सारे अपने फोल्ड्स को प्रिसाइज कर लीजिए अच्छे से, ये जो बन चुका है। अब ये वाली साइड हम लोग की कम्प्लीट हो चुकी है। अब इसे ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ट्राइंगल बन चुका है। ये ट्राइंगल बन चुका है ये सबूत है इस बात का कि आपका ये ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अब जब ये साइड हो गई है तब हमको इसे उल्टी साइड कर लेना है, और जब उल्टी साइड जाएगा तो हम लोग का ये साइड प्लेन है और ये साइड नीचे आ गई। अब हमको जैसे उधर किया था वैसे ही ये भी अंदर की साइड प्रेस होगा, देख सकते हैं। लेकिन हम लोगों को भी इसमें भी करना है, ये हल्का सा खोल दूंगी वाली साइड, ये मैं इसको पूरा नहीं खोलूंगा ताकि, क्योंकि फिर उसके बाद ये वाला भी खुल जाएगा, तो इसको पूरा इसको थोड़ा सा ही खोलेंगे कुछ इस तरह, थोड़ा सा ही खोलेंगे और तब इसको दबा देंगे। और ये जो साइड थी इसको हम इस फ्लैप पर इसके अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जैसा बन चुका है, यहाँ पे ये अंदर की साइड जा रहा है और यहाँ पे ये ऊपर की साइड आ रहा है। ये एक पिरामिड टाइप लग रहा होगा और ये डायरेक्ट अंदर की साइड। जब हम इसे पीछे की साइड देखेंगे तो ये कुछ ऐसा लगेगा। और यहाँ से हमारा ये बन चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इसको आप अपने ऐसी चीज किस तरह फोल्ड करें कि आप इसमें जो है इसको अपने वॉलेट में रख सकते हैं। तो वो तरीका ये है, आपको इसको लेना है और इसको कुछ इस तरह फोल्ड करना है, फोल्ड नहीं मतलब इसको कुछ इस तरह करना है। ये जो आपकी लाइन थी यहाँ पे इसको जो है इसी के सहारे फोल्ड करना है, और आपका
और इसे प्रेस करेंगे तो ये फोल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली और एक डायमंड शेप में आ जाएगा। अब ये जो डायमंड शेप है ये आपका पूरी तरह से फ्लैट है, आप इसे अपने वॉलेट में रख सकते हैं, इसे अपने पर्स में रख सकते हैं, इसे अपनी बुक्स के बीच में रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ मेरे पास एक बुक है, मैंने खोला उसके अंदर ये रखा और बंद कर दिया। अब इस तरह मैंने इसे रख लिया, जब भी मुझे ज़रूरत है तो मैंने इसको करने हटाया और ये मुझे मिल गया। अब हम इसको वापस उसी शेप में कैसे चेंज करें, ये सवाल है। अब जो ये साइड है, ये वाली साइड जिसके ओपन हो रहे हैं, ये देखिए एक साइड आपकी ऐसी होगी जिसमें दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, कोने ओपन हो रहे होंगे। अब हम इसे आउटर साइड पुल करेंगे, तो इस साइड जब पुल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारा वापस से ऐसे चल रहा है। जब हम इसे फिर से वापस करना है तो ऐसे करिए, अपने आप ही उसके बाद हमें फिर हो जाएगा डायमंड। तो आप लोगों ने देख लिया है ये कैसे बनता है, और अब मैं आपको इसमें फ़ोन रख के दिखाता हूँ। एक सेकेंड रुकिए, मैं यहाँ पर अपना फ़ोन ले आता हूँ। मैं अपना फोन ले आया हूँ, आप देख सकते हैं। अब हमको इस जगह पे इसे रखना है, जैसे आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था ऐसे ही रखा हुआ था फोन, वैसे ही हमने रख लेना है। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा फोन बन चुका है। आपको अगर मूवीज देखनी है मूवीज देखिए, और अगर आप इसे कलर पेपर से बनाते हैं या फिर ऐसा पेपर जिसमें वुडन डिज़ाइन होगी, तो जो वुडन डिज़ाइन होगी जब इसे आप इसे खोल के रखेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये वुडन का बना हुआ है, ये मेरा वाइट पेपर है, तो ऐसे पेपर लग रहा है। लेकिन जब आप इसे वुडन डिज़ाइन के पेपर से बनाएंगे तो लगेगा कि यह वुड का है। और देख सकते हैं ये पीछे की साइड टेक हो चुका है, पीछे की साइड टेक है फोन का और ये साइड होता है। हम लोगों ने इस ट्रायंगल को अंदर इसलिए किया था क्योंकि अगर हम इस ट्रायंगल इसको भी इसकी तरह बना देते तो फिर ये भी साइड ऊपर उठ जाती है। जब हम फोन बीच में रखते तो इतना हम लोगों का इतना पार्ट ढक जाता है, इतना पार्ट ना ढके, इसलिए हम लोगों ने इस ट्रायंगल को अंदर बनाया। अब आप देख सकते हैं फोन अच्छे से रख चुका है हमारा। तो अगली बार मैं फिर आपसे मिलूंगा कुछ और अच्छे ओरिगैमी थिंग्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।